अच्छा जी, मैं भी तो हमेशा टॉप करती हूँ, मुझे तो कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया आपने। तुम्हें शाबाश तो देता हूँ ना। नहीं, नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी जान है। आप लोगों के तो ड्रामे खत्म ही नहीं होते। अच्छा जी, इन ड्रामों की हिदायतकारा आप ही। इधर लाओ बेटा मिठाई, ये लो। अच्छा जी, उसे मिठाई खिला रहे हैं, मुझे भी तो खिलाएं। अरे तुम भी लो, क्यों भूखी मर रही हो। कहाँ थे पहले अब्बा, बड़ी बहन, अम्मा, लेकिन एक एक करके मुझे सब छोड़कर चले गए। बाबा साईं, बाबा से बाहर आए, बाबा साईं, बाबा से बाहर आए, बाबा साईं, बाबा से माजिद कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, माजिद कहाँ है बाबा साईं? मैं जानती हूँ कि आपको पता है माजिद कहाँ है, मुझे बताएं बाबा साईं माजिद कहाँ है? वो अब कहीं भी नहीं, उसे जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। नहीं 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 बाबा साईं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने वही किया जो मुझ जैसे बाप को करना चाहिए था मेरी थी। अगर वो जिंदा रहता तो तुमसे मिलने की कोशिश करता, बात करता, खामखा तुम्हें परेशान करता। मैंने तो तुम्हारी परेशानी खत्म की है। भाई अल्लाह ने चाहा तो तुम आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाओगी। देखो मेरी थी, तुमने अपने बाबा साईं का बहुत दिल दुखाया है, अब मजीद नहीं। जानती हो जब तुम छोटी थी तो मैं ये सोचता था कि तुम्हारा गलत फैसला मेरे सामने आया तो मैं क्या करूंगा, पर देख लो तुम्हारे बाबा साईं ने तुम्हें कुछ नहीं कहा। यही बात उस माजिद की शोदा जिंदगी इतनी लाया था, पर तुम्हारे बाबा साईं उसके लिए दुआ करेंगे कि सोना रब उसके लिए उस यहाँ की मंजिलें आसान करे। तो क्या हुआ बेटी थी, परेशान क्यों हो रही है? ना ना बेटी थी, जाके आराम कर, तेरी रुखसती के दिन नजदीक है, मुंह पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। क्या किया आपने माजिद के साथ? क्या किया? जमीला, मार दिया उसे। जमीला, उसे धोखे से बुला के मार दिया। जमीला, आपने मेरे माजिद को मार दिया बाबा साईं। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मेरे बाबा साईं का, हट मेरे से। ये मेरे बाबा साईं नहीं है। चुप रहो। ये मेरे बाबा साईं नहीं है अम्मा, ये मेरे खुशियों के कातिल है। ज़ैदा, बाप ऐसा नहीं होता। ज़ैदा, अपनी हद पार ना कर। जिन सदमात का सामना आपने किया है उसके बारे में तो तसव्वुर करके इंसान की रूह कांप जाती है। अगर अल्लाह किसी इंसान को उसकी हिम्मत से ज़्यादा नहीं आजमाता। माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर अगर आप ख़ुद को बिल्कुल अकेला मत समझिएगा। आपको किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे या मैडम माहीन को कॉल कर सकती हैं। हमसे जो हो सका हम ज़रूर करेंगे। चलता हूँ। मैंने कहा था ना बाबा साहब, कहा था ना मैंने इससे यूनिवर्सिटी मत जाने दे, मगर आपने मेरी नहीं सुनी बाबा साहब। देख ले अपने गलत फैसले का नतीजा, देख ले। आज आपकी बेटी आपके सामने खड़ी नहीं हो रही, आपके गलत फैसले आपके सामने आ रहे हैं। आज इसने आपका गिरबान पकड़ा है, आपका गिरबान। कल सारे मखदूमाबाद के हाथ आपके गिरबान पर होंगे बाबा साईं। कितने बेबस हैं आज आप। आपकी बेटी आपके सामने खड़े होकर एक गैर मर्द के साथ अपने इश्क का इकरार कर रही है, और आप बाबा साईं, आप चुप खड़े हैं। चुप कहाँ गई बाबा साईं आपकी गैरत। चुप हो जा, क्या बोल रहा है? मैं चुप हो जाऊं अम्मा सहन? मैं आपकी धी इश्क मुटक्का लगा रही है यूनिवर्सिटी में और मैं चुप हो जाऊं? मेरा बोलना गलत है। मैंने उससे मोहब्बत की है, इश्क किया है, तुम्हारी तरह कत्ल नहीं किया है। मोहब्बत इश्क काट रहा है। अरे आसन नहीं तो तेरी मां। बंडा क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे भी? मार दो, उसका नहीं कह सकता। तुमने कातिल हो, बुद्धल इंसान। चलो, तुमसे मैं कातिल हूँ। अम्मा सहन से मेरे वालिद को मार दिया। मैं तुमसे बदला लूंगी, इस खून का बदला मैं लूंगी। तुम दोनों की असलियत मैं बताएगी। बाबा साईं से बदला लेगी तो ये बाबा साईं से बदला लेगी, बाबा साईं से बदला लेगी तो बाबा साईं से बदला लेगी, मुझसे बदला लेगी।